बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको अपने चैनल फूड एंड ट्रैवल विद महनूर में खुश आमदीद कहते हैं। आज ओमान की सैर में हमारा तीसरा दिन है और हम अभी सलाला की तरफ रवाना हुए हैं। मस्कत से सलाला का सफ़र जो है वो 8 घंटे का है और हम कितने घंटों में इसको कवर करते हैं देखते हैं आज। तो अभी हम सुबह जो है वो निकल चुके हैं और नाश्ता जो है हम रास्ते में इंशाल्लाह करेंगे। सलाला सल्तनत ओमान का तीसरा बड़ा शहर है और इसकी ख़ास वजह ये भी है कि ये सुल्तान कबूस बिन सईद की जाए पैदाइश का शहर भी है और मानसून के मौसम में जो कि यहाँ पे खरीफ का मौसम कहलाता है विजिटर्स के लिए बहुत जो है वो अट्रैक्टिव जगह होती है और मानसून का मौसम यहाँ पे जून से लेके सितंबर तक चलता है। इस मौसम में सलाला में कोकोनट और केले की बड़ी काश्त होती है और इसी में ही उनका जो है वो खरीफ कार्निवल लगता है। फैमिली एक्टिविटीज़ कंसर्ट और दूसरी चीज़ें जो हैं वो लगती हैं यहाँ पे, इसलिए विजिटर्स जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में इस मौसम में जाते हैं सलाला। सलाला जाने के लिए अमूमन जो है यूएई से अलैन के बॉर्डर से आप जो है वो एंटर होते हैं। ये एक डायरेक्ट रास्ता है सलाला जाने के लिए और गूगल मैप जो है ये 12 घंटे का रास्ता आपको बताता है। और उसके अलावा अगर आपने मस्कत को कवर करना है तो आप हत्ता वाली साइड से एंटर होते हैं। गूगल मैप जो है वो 4 से 5 घंटे में मस्कत आपको दिखाता है रास्ता और मस्कत से फिर आगे सलाला जो है वो 8 घंटे का रास्ता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है जिस रूट से भी आपने जाना है आप उसको फॉलो करें। सलाला जाने के लिए बहुत से सवालात हैं जो कि जाने से पहले ज़हन में आते हैं, तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा जो है वो गाइड करेंगे। अगर आप मस्कत वाले रूट से जा रहे हैं तो आप पहले मस्कत में स्टे करें 1 दिन और उसके बाद मस्कत से आगे सलाला निकल जाएं। ये रूट बेस्ट है क्योंकि इस तरह आप जो है ओमान का कैपिटल सिटी भी देख लेते हैं, 1 दिन का स्टे करके आप फ्रेश हो जाते हैं अगले दिन और अगले दिन आप इजीली जो है अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो शाम तक आप पहुंच जाते हैं। दूसरा रूट जो अलैन के बॉर्डर से स्टार्ट होता है वो गूगल मैप 12 घंटे का रास्ता बताता है, लेकिन ये है कि आप बीच में स्टे करते हैं खाना खाने के लिए नमाज पढ़ने के लिए तो इस तरह आपको 12 घंटे से ज़्यादा ही लगता है। तो इसका या तो एक ये तरीका है कि आपके पास 2 ड्राइवर हैं तो आप शिफ्ट चेंज चल लें, उस तरह आप अगर आपने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया है तो आप रात तक पहुँच जाते हैं सलाला। तो अगर दूसरा इसका ये ऑप्शन है कि अगर आप रास्ते में कहीं रुक जाएँ स्टे कर लें 1 नाइट तो उसके बाद आप अगले दिन स्टार्ट करें, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे ये पहला पेट्रोल स्टेशन आया और यहाँ पे हमने पेट्रोल डलवाया और साथ में नाश्ता भी कर लिया। यहाँ पर हम हाइमा से थोड़ा पहले लंच के लिए रुक चुके हैं और यहाँ पे हमने यमनी फूड रेस्टोरेंट में बहुत ही मज़ेदार चिकन मंदी खाई, साथ में नमाज भी पढ़ी और उसके बाद हमने अपना सफ़र जारी रखा। अलैन में एंटर होने के बाद आगे इनका एक जगह आती है इबरी। इबरी पे जो है वो 1-वे रोड है और जब तक इबरी का बड़ा राउंड अबाउट नहीं आ जाता तो आपको उसी रोड पे चलना होता है, वो काफ़ी लंबी रोड है और आप कोशिश करें कि दिन की रोशनी में वो रोड कवर करें। इबरी से आगे आप जाते हैं हाइमा पे।
खाइमा से थोड़ा सा आगे फिर वन वे स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे भी कोई लाइट नहीं है, इसलिए वो भी हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप डे लाइट में उसको मगरिब से पहले पहले कवर कर लें। उसके अलावा पेट्रोल स्टेशन हर जगह पे है, लेकिन इबरी से लेके हाइमा तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है, इसलिए हम यही कहेंगे कि आप जो है वो टैंकी फुल करवा के निकलें, उसके बाद जो भी आपको पेट्रोल पंप मिले वहाँ से ज़रूर पेट्रोल डलवाएं, चाहे आप 2 रियाल का डलवाएं, लेकिन ज़रूर डलवाएं ताकि पेट्रोल की कमी ना हो। और खाने पीने का सामान जो है वो थोड़ा बहुत साथ में रखें। उसके अलावा ये कि छोटे मोटे रेस्टोरेंट जो हैं पाकिस्तानी और दूसरे अरबिक फूड वगैरह वो हर जगह पे हैं, उसकी कमी नहीं है। और ये है कि वाशरूम वगैरह भी बने हुए हैं। ये बात आप याद रखें कि अगर आप मस्कत की तरफ से भी सलाला जा रहे हैं तो निजवा के आगे वाली जो रोड है वो वही वाली है जो अलैन के रूट के साथ मिलती है, आगे से रोड एक ही हो जाती है, मस्कत थोड़ा दूसरी साइड पे है तो, लेकिन आगे से एक ही रोड है। इसके अलावा सलाला में मेन अट्रैक्शन के लिए आप हर दिन के हिसाब से गूगल पे पहले से ही सर्च करके रखें और उसके मुताबिक अपना रूट जो है वो प्लान करें ताकि कम वक्त में आप सारी जगह कवर कर सकें। अब हम सलाला पहुंचने वाले हैं, इससे पहले एक जगह आती है तमरेट, वहाँ से होते हुए हम सलाला में एंटर होंगे और हमें दूर ही से जो है वो बादल नज़र आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि सलाला जो है वो दफार का कैपिटल सिटी है और इस खत्ते में जो है इस्लामी तारीख बहुत पुरानी है। इस्लाम के इब्तदाई दौर से ही यहाँ पे इस्लाम फैलना शुरू हो गया था और यहाँ पे कहा जाता है कि सलाला जो है वो नबियों की सरजमीन है। यहाँ पे आपको 4 नबियों के मज़ार देखने को मिलते हैं, जिसमें नबी इमरान, हज़रत अयूब, हज़रत हूद और नबी सालेहा और उनकी ऊँटनी के पाँव के निशान देखने को मिलते हैं। इसके अलावा विज़िटर्स के लिए सलाला में देखने को और भी बहुत कुछ है, जैसा कि ग्रीन पहाड़, आबशारें, वादी दरबात और एन आर्थम, एन तरबूक और एन फोर वगैरह। और सलाला जो है वो फुटबॉल क्लब के लिए भी फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे वॉलीबॉल भी खेली जाती है। सलाला में जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, आप यहाँ पे बाय एयर भी आ सकते हैं। और उसके अलावा सुल्तान कबूस मस्जिद है और अल हसन पैलेस जो है वो इस्लामी आर्किटेक्चर का नमूना है। तो आप यहाँ पे आके खूब इंजॉय करें और अपने डेज जो हैं वो फुल कवर करें। सलाला में एंटर होते ही आपको बारिश वाले बादलों में से गुज़र कर जाना पड़ता है और फॉग भी काफ़ी होती है, इसलिए बहुत मुहतार ड्राइविंग करनी पड़ती है। ऐसा मौसम सिर्फ मानसून यानी कि खरीफ के मौसम में ही होता है यहाँ पे। हम सलाला सिटी में एंटर हो चुके हैं और आपको सामने सारा जो है सिटी नज़र आ रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने होटल में पहुंच चुके हैं। होटल के ही नीचे जो है वो तुर्किश रेस्टोरेंट है और हम चल के अब मंदिर देखते हैं कैसा होटल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हम आपको अपने चैनल फूड एंड ट्रैवल विद महनूर में खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हम 12 घंटे के बाद मस्कत से सलाला पहुंच चुके हैं और हमने अपना सामान ऊपर अपार्टमेंट में रखा है और बहुत थक चुके हैं। रास्ते में हम 2-3 जगह रुके, इसलिए 12 घंटे के रास्ते है 8 घंटे का, लेकिन हमने उसको 12 घंटे में कवर किया। अब हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं। ये हमारा बेडरूम है, टेबल और इसके साथ जो है बाथरूम है। हमने होटल के रेस्टोरेंट में जो है डिनर किया, बच्चों ने पिज़्ज़ा खाया और हमने शवरमा खाया और इस तरह से जो है हमारा तीसरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।